के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि भारतीय ताल्लुक से जिहाद होगा तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है। इंडिया का नहीं, हमारा वो भी हमारा है, उन्होंने छीना है हमसे, कब्जा किया हुआ है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शुएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर, मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच। तो इंडिया का बजट आया और बजट कुछ लोगों के लिए खुशियां तो कुछ लोगों के लिए दुख लेकर आया, और इसी के साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी बजट में कुछ ना कुछ दिया गया, चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, इन सब के लिए भी बजट दिया गया है थोड़ा थोड़ा। लेकिन दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी बहुत बड़ा बजट आया है, जिसे देख कर पाकिस्तानियों की सुलग चुकी है। उनका कहना है भाई इतना सारा बजट अगर हम भी इंडिया के दोस्त होते तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो इंडिया जरूर देता। इसी को लेकर आज का वीडियो है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का जज्बा अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, वो आज भी ये सपने देख रहे हैं कि हमारा था कश्मीर, यार इन लोगों का कैसा था कश्मीर मुझे नहीं पता। लेकिन ये कहते हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, अगर इन भूखे नंगे लोगों के साथ भी कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग रहना चाहते हैं तो वो अपनी इच्छा जाहिर करें, हम लोग पहुँचा देंगे उनको पाकिस्तान। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बजट को लेकर है, पाकिस्तानियों के रिएक्शन है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो नमस्कार, मैं हूं आकाश रेकवार, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने जॉब्स के ऊपर बहुत बड़ा वर्क किया, अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया, मेन चीज जो है डिफेंस, डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना वो तो कमाल ही कर दिया है। उसके बाद जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया है वो तो एंड ही कर गए हैं यार उस चीज को लेकर, कितना बजट रखा है, कितना बजट रखा है। फिर उसके बाद उसमें एक बात ये भी सुनने को मिल रही थी कि अवाम को रिलीव नहीं मिला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि नेबर्स के साथ क्या हुआ है शुएब भाई। नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। इनके साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान भी और चाइना भी है, जिनका नामो निशान भी नहीं है बजट के बीच में। लेकिन अब देखें, मैं सबसे पहले मालदीव की बात करना चाहूंगा। मालदीव वो कंट्री है कि जो उस मुल्क के वजीर आजम को क्लोन और पपिट कहते हैं, लेकिन आप ये देखें क्लोन और पपिट कहने के बावजूद भी 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए, 120 करोड़ का बजट रखा गया बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते थे और इंडिया से दोनों ही हम अलग हुए ना। जी हाँ, बिल्कुल इंडिया से हम दोनों अलग हुए, तो उसके लिए 120 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा नेपाल के लिए, भूटान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट रखा गया है। और मैं तो हैरान ये होता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने जितने पावरफुल, जितने बड़े पावरफुल लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कंट्रियां कोई हैं कि जो अपने नेबर्स के लिए भी सोचते हैं, अपने नेबर के लिए भी इतना बड़ा सेटअप रखते हैं और बजट में इतनी बड़ी रकम रखते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप आए, थोड़ी सी बात कर लेने दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप आइए कश्मीर के ऊपर, ठीक है। देखे इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शुएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर, मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, ठीक है। कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है। पूरे पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, तीन बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाग रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देखे, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया, हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है, ठीक है। उसमें उसने अपने जो हमसाये है ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाये कंट्री है उनके लिए 400 करोड़ 150 करोड़ 120 करोड़, इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता।
हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? आवाम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह? हम कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है, अकल उससे ज्यादा है, अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत की वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है, शऊर है, एजुकेशन हमसे ज्यादा है, ठीक है, तो इस लिहाज से हमसे आगे हैं। बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, वो ये चीज है। और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर एजुकेशन का थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें, वैसे तो हमारा कंपैरिजन शायद बनता नहीं, जैसे मैम ने बोल दिया या आबिद भाई ने बोला कि कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन उन्होंने बजट में एक जो सबसे बड़ी चीज रखी ना इंडिया के बजट में, उन्होंने आम लोगों के लिए नौकरियां प्रोवाइड की है उसके बीच, ठीक है। अब देखें इंडिया में आपको आइडिया होगा कि छोटा सा बच्चा भी जो है ना एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी है। अब उधर लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने उसके ऊपर क्या काम किया कि अपने मुल्क में इतनी नौकरियां दे रहे हैं कि पढ़ लिख के इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं, वो इंडिया का फायदा करें। सीखना चाहिए कि नहीं? हमें सीखना चाहिए उनके बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, एजुकेशन सबसे ज्यादा, तो हम एजुकेशन में मतलब ये कि सीख सकते हैं, एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं। हमने कितना कोटा मुहैया किया और कौन खा जाता है वो कोटा? हेल्थ के लिए हमने कितना बजट रखा, एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा हमने, अपने यहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी के लिए? आवाम को कुछ नहीं मिलता, बड़ी मछलियाँ जो होती है वो सारा कुछ हड़प कर जाती है। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्टा हमसे लिया गया था, और वो हमारे हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था, और वो जो के बाद गलत ही, और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। इंडिया, यही बात आपको कह रही हूँ कि बिला शुबा बहुत सी पार्टीज हैं जो कश्मीर के नाम पर सियासत करती हैं, और इसमें हमारी हुकूमत का या हमारा जो सिफारती महाज है वो इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन जहाँ तक बात जमात इस्लामी की है, तो जमात इस्लामी के ख़ानदानों ने कश्मीर के लिए अमलन कुर्बानियाँ दी हैं। भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो ज्यादातर इस कब्जे को कायम नहीं रख सकता। भारत भी कहता है कि आपने जो है आजाद कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, आप कहते हो कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, तो हल क्या है इसका? बात ये है कि सिर्फ जुबान से नहीं कहा जाता ना, आप वो तमाम सबूत देख सकते हैं, पेपर हमारे पास, तारीख देख सकते हैं, मुसलमान जो है कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे, आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है, पूरी आवाम का मौकफ नहीं है, ये पूरे कश्मीर का मौकफ नहीं है, ये एक छोटा मौकफ है। एक बड़ा मौकफ ये है कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। कैसे नहीं छीन सकते, हमारा ईमान शहादत है, तो हम अपनी शहादत का और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा, अच्छा, जी तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ के मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे, कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं, तो मुसलमानों का तो ईमान कोई किसी चीज़ को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने अपने जद्दोजहद करना है। इंशाल्लाह हम कश्मीर जीत गए, सारी इस्लामी जमाते कश्मीर, जमहूरी जमाते कश्मीर नहीं ले सकते, वो तो खुलूफ़ इस्लाम है ना, जमहूरी जमाते गुलाम है, और इसी गुलामी से हम निजात चाह रहे हैं। वतन की भी होती है, कश्मीर की भी होती है, हर चीज़ की होती है, जहाँ पे देखे ना अब, जहाँ पे भी चले जाएं, सलामी जमात की तो आप बात तब करो ना जब पाकिस्तान के अंदर सब ठीक हो। हमारे पास बलूचिस्तान का मसला है, गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, उन सब मसलों को इग्नोर करके आप इंडिया के कश्मीर के लिए आज निकले हो? नहीं, हम सब के लिए निकले हैं, सिर्फ हम कश्मीर के लिए नहीं, सब के लिए हम निकले हैं, गजा में जो हो रहा है उसके लिए। आप कश्मीर को इंडिया का कश्मीर ना कहें, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, इंडिया का है, इंडिया का नहीं, हमारा, वो भी हमारा है, उन्होंने छीना है हमसे, कब्जा किया हुआ है, कश्मीर हमारा है, तो हमारे पास है, कौन कहता है कश्मीर, कश्मीर हमारा है, हम उससे अपना हक लेके रहेंगे। हम 70 सालों से क्यों नहीं ले पाए कश्मीर? इसलिए नहीं ले पाए कि हमारे हुक्मरानों की नीयत खराब थी, हमें कोई इस्लामी हुक्मरान नहीं मिला, जमात इस्लामी इक्तदार में आके ये सारे मसले हल करेगी। फजल रहमान को तो कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, क्यों नहीं लिया कश्मीर? हम उनको इस्लामी नुमाइंदा नहीं मानते, और वहाँ पर मौजूद है ना, और कब्जा तो उन्होंने किया हुआ है, और कश्मीरियों को अगर जब भी मौका दिया गया कि वो खुद ही फैसला करें कि वो किसके साथ होना चाहते हैं, तो वो जरूर पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। आजादी के लिए जद्दोजहद है, और दूसरे तरफ आपकी हुक्मरान है कि मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब, इंडिया के साथ तिजारत को
यारी और दोस्ती को अपना विजन बयान करते हैं। सो गाइस, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रीच बढ़े और लोग भी हमारी वीडियो देखकर एंटरटेन हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।